ओम श्री गणेश आयरम। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पर आपका स्वागत है। मकर राशि मार्च 2018 का राशिफल। दोस्तों, आज के वीडियो में मकर राशि वालों का मार्च 2018 कैसा रहेगा हम जानेंगे। मकर राशि में मार्च माह में ग्रहों की स्थिति सुफलदायक बन रही है, जिससे मकर राशि के जातकों के लिए धन, मान सम्मान, व्यापार में उन्नति, नया उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो देख लेते हैं कि मकर राशि के जातकों पर मार्च माह में ग्रहों के प्रभाव किस रहेंगे। सूर्य 1 मार्च से 14 मार्च तक कुंभ राशि में यानी धन भाव में रहेंगे, जहां पर बुध के साथ सूर्य बुधादित्य योग बना रहे। बुध जहां पर शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, जो कि बहुत ही उन्नतिदायक धनदायक योग बना रहे। यह योग यहां पर 14 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक ही रहेगा, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि होने से जातक को ऊर्जा एवं उत्साह से भर देगा। लेकिन मंगल की यह चौथी दृष्टि 7 मार्च तक ही रहेगी, इसलिए इस योग का फायदा लेने के लिए जातक को सही समय पर सही कदम उठाते हुए 7 मार्च तक अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। वैसे ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और जब आप कोई काम करने की सोच लेते हैं तो वो आप कर ही लेते हैं। जैसे बिजली का बिल या इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 है, तो जनरली हम 31 को या एक दिन पहले ही भरते हैं। लेकिन यदि आपको कहीं शादी ब्याह में 25 से 31 के बीच ही जाना है और 31 के बाद आना है, तो आप बिल या रिटर्न 20 से 24 तारीख के बीच ही भर देते हैं। अर्थात आप जो चाहते हैं वो कर देते हैं, अर्थात कर सकते हैं और करते ही आ रहे हैं। ये प्री प्लान्ड वर्क है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अधिकांश कार्य 7 मार्च तक निपटा लेंगे, तो बाद में मंगल वैभव में शनि के साथ होने पर अंगारक दोष का आपको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश कार्य आपके हो चुके होने से आपको गुस्सा कम आएगा और नहीं होने वाले कार्य को भी संयम और अपने कौशल से निपटा लेंगे। मकर राशि के जातकों का इस अवधि में इन योगों के साथ ही पराकर्मेश गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर और 7वीं दृष्टि सुख भाव पर और 9वीं दृष्टि सष्टम भाव पर होने से 7 तारीख तक धन के अच्छे योग बना रहे हैं। सुख भाव में दृष्टि होने से जातक को सुख सुविधा, भूमि वाहन सुख, मात्र और विद्या सुख का योग भी बना रहे हैं, जिससे आपको कोई नया प्रशिक्षण शिविर या आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के एवं मान सम्मान के योग बन रहे हैं। गुरु कर्म भाव में होने से कोई नौकरी व्यापार से संबंधित कोई उच्च अधिकारी द्वारा उच्च प्रशिक्षण भी प्राप्त करा सकते हैं, जिससे आपको आगे लाभ के योग बनेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि भी रोग शत्रु के भाव में, 7वीं दृष्टि शिक्षा एवं संतान के पंचम भाव पर और 4थी दृष्टि धन भाव पर होने से जातक को धन लाभ, संतान सुख, नौकरी में सुख दिलाते हुए आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली बन रही है। मंगल 7 मार्च के बाद वैभव में धनु राशि में स्थान परिवर्तन करने से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि सष्टम भाव पर और 4थी दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से जातक को व्यापार से धन लाभ, नौकरी में उन्नति, शत्रु भय से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाहन सोच समझकर चलाएं। प्रेम के लिए भी 14 मार्च तक के लिए समय अच्छा रहेगा। सभी ग्रहों की दृष्टि यानी शुभ दृष्टियां धन, प्रेम, उत्साह, ऊर्जा, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाली बन रही। इस अवधि में अर्थात 7 से 14 मार्च तक आप अपने बाकी के सारे काम निपटा लेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन 14 मार्च के बाद राहु की 9वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर और 5वीं दृष्टि आय भाव पर होने से जातक को धन की कमी और ऊर्जा की कमी का एहसास करा सकती। अतः
14 मार्च तक आप अपने सारे काम निपटा लेंगे तो 14 से 31 मार्च तक आप सिर्फ देखेंगे और एंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे। अर्थात नवरात्रि में आप अपनी साधना पूरी तरह से कर पाएंगे, जिसका आपको आगे लाभ मिलने वाला है। यही प्री प्लान्ड वर्क करने का, समय से पूर्व कार्य कर लेने का आनंद है। अतः कार्य और व्यापार, आय और पारिवारिक सुख शांति के लिए और ग्रहों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए, धन के लिए श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी की पूजा पाठ मंत्र जाप करें। शनि की शांति के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। सायकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं और क्षमा साधना करें। अपने पास हमेशा केसर रखें। संतान हेतु केतु का उपाय करें। अतः दोस्तों, मकर राशि वालों का मार्च माह शुभ फलदायक रहने वाला है और यदि उक्त योगों को ध्यान में रखते हुए कार्य और उपाय करते हैं तो मार्च उन्नतिदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो भगवान के लिए करो या इंसान के लिए या किसी के लिए भी करो, वह संचित हो जाता है और वह लौट कर आता ही है। अतः कर्म करना आपके हाथ में है, अतः कर्म करते रहो, उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। यही प्रारब्ध है और यही भाग्य है। तो भाग्य बनाने का कार्य हमें परमात्मा ने हमारे हाथ में ही दे रखा है, तो बनाओ अपना भाग्य। तो आप सभी को आशीर्वाद। माता जी आप सब पर कृपा करें। कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर हैं 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। अतः आप सभी के सहयोग एवं उत्साहवर्धन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माता जी आप सभी पर कृपा करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट्स करें, ताकि आपके कमेंट्स के अनुसार मैं आपको और अधिक बेहतर तरीके से अच्छा बता सकूं। अतः दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अतः अभी लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।